नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। टुडे हम बात करेंगे बेस्ट ऑक्सीजन स्टॉक्स के बारे में। जैसा कि अभी आप कोरोना वायरस केसेस लगातार हमारे इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली कंपनी है, तो इन सारी कंपनियों में काफी जबरदस्त तेजी देखने मिला है। तो इसी से रिलेटेड 5 स्टॉक्स बताएंगे जिसमें आप जो अभी शॉर्ट टर्म के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करके इसमें जो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है, क्योंकि जिस तेजी से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है उसी तेजी से इसमें गिरावट भी आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि ये सीजनल स्टॉक है। जब तक कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा, जब तक डिमांड बनी रहेगी, तब तक आपको इस स्टॉक में तेजी देखने मिल सकता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारा है गंगा गैस। दोस्तों इसमें जबरदस्त तेजी देखने मिला है। देखिए यहाँ से ये जो है मार्च से शुरू हुआ है, इस मार्च से 22 मार्च से और 22 मार्च से अभी तक में देख लीजिए, ये बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है, लगभग 100% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो इतनी जबरदस्त तेजी गैस के स्टॉक में देखने मिला है, तो एक साल में भी देखिएगा रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप पिछले साल गिरावट में खरीदे रहते कभी भी, तो अभी तक में आपको लगभग 200-300% का रिटर्न इसमें प्राप्त होता। तो ये जबरदस्त स्टॉक है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें, मात्र 5 करोड़ का मार्केट कैप है, एक माइक्रो कंपनी है, तो ऐसे कंपनियों से ऐसे भी आपको दूरी बनाए रखना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाता है अपना स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेल करते जाइएगा। जो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए वो जो लोअर सर्किट है उससे ऊपर होना चाहिए, तभी आपका स्टॉप लॉस जो है बुक होगा। तो याद रखिएगा, लोअर सर्किट जो होगा अगले दिन का, उससे ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। इसके लिए आप जीटीटी ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। वही कंपनी में प्रमोटर की बात करें तो 34.6% प्रमोटर का स्टेक है। इस कंपनी में कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो 29 लाख रुपए का कंपनी के ऊपर डेट है। तो इस तरह से कंपनी का ओवरऑल ये फंडामेंटल है। तो अभी जबरदस्त तेजी है, आप जबरदस्त तेजी का फायदा ले सकते हैं। दूसरे पे हमारा है भगवती ऑक्सीजन। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त तेजी अभी देखने मिला है। देखिए पिछले महीने से अभी 25 मार्च से अभी तक में जो इसमें तेजी है 95% का है। तो देखिए जो भी ऑक्सीजन वाले स्टॉक होंगे, सिलेंडर सप्लाई वाले होंगे, सब में ज़बरदस्त तेजी है, क्योंकि हर कोई जान रहा है कि जो कंपनी का डिमांड है अभी प्रोडक्ट का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो जो बबल फूटा है कोरोना वायरस केसेस का, उसके कारण जबरदस्त तेजी इस ऑक्सीजन और सिलेंडर सप्लाई वाले स्टॉक में देखने मिला है। अभी करेंट प्राइस है इसका 24.63 रुपया। आप पिछले दिन भी देखते हैं 1.99% तेजी है। ये सर्किट है इस स्टॉक का। तो इस स्टॉक में भी आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक के भी बात करें फंडामेंटल्स का, तो इसका भी मात्र जो मार्केट कैप है 5.69 करोड़ का है, और प्रमोटर्स का स्टेक इसमें भी 43.3% का है, और कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 5.72 करोड़ का डेट है। तो कंपनी के ऊपर डेट भी है और कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है 2.11 करोड़ का, और कंपनी के पास रिजर्व भी है अच्छा खासा 8.84 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है। आप इस कंपनी में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये कंपनी जो है लगभग एक साल में 300% से बढ़ चुका है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो स्टॉक जितना अधिक मूवमेंट दे चुका है उसमें अपसाइड जाने का भी पोटेंशियल काफ़ी कम है। अगर जाता है तो उतनी तेजी से ही वो नीचे भी आएगा, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला तीसरा जो स्टॉक है हमारा, वो है नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। करेंट प्राइस देख लीजिए 63.15 रुपीज़ है, और इस स्टॉक में जो बहुत कम ट्रेडिंग देखने मिलता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि जो स्टॉक होते हैं जिसमें लिक्विडिटी कम हो, तो उसमें आपको ट्रेडिंग काफ़ी कम देखने मिलेगा। अगर इस कंपनी की बात करें, मार्केट कैप 30 करोड़ का है और कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है 70% है, इसी कारण कंपनी में लिक्विडिटी आपको कम देखने मिलता है। कि जो कंपनी छोटी कंपनी है, प्रमोटर स्टेक काफ़ी ज़्यादा हो, तो काफ़ी कम स्टॉक जो होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण आपको उसमें उतना ट्रेडिंग होता हुआ देखने नहीं मिलेगा। कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो 39 करोड़ की कंपनी के ऊपर डेट है, और इन्वेस्टमेंट कर रखा कंपनी 19 लाख रुपये का, और कंपनी का रिजर्व माइनस में है, देखते हैं -14 करोड़। तो कंपनी का रिजर्व भी माइनस में है। तो ओवरऑल कंपनी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट भी माइनस में है, कंपनी का रिजर्व भी माइनस है, कंपनी के ऊपर डेट भी 39 करोड़ का है। तो इस कंपनी का आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद अगला है हमारा EKC। सबसे ज़्यादा जो अभी कंपनी में तेजी है वो है EKC में।
सबसे ज़्यादा तेजी, एक एक दिन में इसमें आपको 15% का तेजी देखने मिलेगा, और पिछले दिन इसमें 5% का लोअर सर्किट भी देखने मिला। तो ये कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त है और इसमें ज़बरदस्त तेजी दिखाया भी है। और ये स्टॉक अगर एक साल में बात करें तो एक साल में देख लीजिए कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लगभग 900% का रिटर्न दे चुका है ये कंपनी, 900 से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है अगर कोई गिरावट में खरीदा होता तो। इतना बेहतरीन ये स्टॉक मूव कर चुका है, तो इसमें देख सकते हैं जितना तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी ही तेज़ी से इसमें गिरावट भी होती है। तो इसलिए कहते हैं इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। अगर आपको इसके तेज़ी का फ़ायदा लेना है तो स्टॉप लॉस लगा करके आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं। अगर इस स्टॉक की बात करें तो पूरा नाम इसका एवरेस्ट कांटो सिलेंडर है, और कंपनी का अभी करेंट प्राइस है 132.65 रुपये। और वहीं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो 1488 करोड़ का मार्केट कैप है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और सब कंपनियां माइक्रो कैप कंपनी थी। प्रमोटर्स का होल्डिंग इसमें जो है 67% का है, जो कि अच्छा है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने मिला है 16% का, और नेट एनुअल प्रॉफिट जो 85 करोड़ का है कंपनी का। वहीं रिजर्व जो कंपनी के पास 549 करोड़ का है, और कंपनी का ऊपर जो डेट है 202 करोड़ का है, और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है 2,98,00,000 का। तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल्स इसका काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन है। तो ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये कंपनी गिरावट में मिलती है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं जो हमारे पांचवें नंबर पे है जिस स्टॉक में आप अभी इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी इसमें स्टॉक में भी देखने मिला है, वो है लिंडे इंडिया। ये भी देखिएगा एक साल में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लगभग 268% का। ये भी कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिला है। अभी कंपनी का शेयर का जो करेंट प्राइस है 1841 रुपये का है। वहीं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 15,000 करोड़ का है। तो ये एक कहिए मिड कैप कंपनी या कहिए लार्ज कैप कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी इसको बोल सकते हैं। और ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, 0.16% का इसका डिविडेंड यील्ड है। कंपनी प्रमोटर्स का होल्डिंग 75% का है, तो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है काफ़ी अच्छा है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। वहीं नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो है 156 करोड़ का, और प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो 21% से देखने मिला है। और कंपनी के पास जो रिजर्व है वो है 2,118 करोड़ का, कंपनी के पास रिजर्व है 2,118 करोड़ का। और कंपनी का जो डेट है वो है 6,91,00,000 का, और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है 2 करोड़ का। तो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सॉलिड है कंपनी का फंडामेंटल्स। तो ऐसे सॉलिड फंडामेंटल्स वाले कंपनी में अगर गिरावट मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बेहतरीन कंपनियां हैं जिसमें गिरावट मिले तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न देगा, जिसमें आपको ज़बरदस्त रिटर्न देखने मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे 5 कंपनी जिसमें अभी जो ऑक्सीजन का सप्लाई जब तक डिमांड में रहता है, ऑक्सीजन सप्लाई होते रहता है तब तक इस प्रॉफिट के ग्रोथ काफ़ी देखने मिलेगा। तो कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ होगा, कंपनी के शेयर प्राइस में भी आपको उतना ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखने मिलेगा। तो आप इन सब स्टॉक में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।